सुमेंद्र मौर्य चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती रहे। फ्रेंड, अगर आप अपनी एलईडी टीवी में, चाहे स्मार्ट हो एंड्रॉयड हो, अगर आप उसमें ब्राउजिंग करते हैं और आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन वर्क, चाहे किसी भी तरह का कर रहे हैं, चाहे आप कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हो, मूवी डाउनलोड कर रहे हो, कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं आप, या किसी भी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो आप कैसे अपने वेबसाइट पर या किसी भी ऑनलाइन वर्क करते हुए कैसे आप अपने टीवी चैनल्स हैं जो आपके, चाहे वो एंटरटेन से हो, चाहे जो भी हो आपके चैनल है, चाहे न्यूज़ चैनल हो, जो भी आप, चाहे आपकी वो कोई सी भी डिश है, चाहे फ्री डिश हो या टाटा स्काई हो, कोई भी डिश हो, तो आप उसको, जो चैनल है उसको कैसे आप अपने ऑनलाइन वर्क करते हुए, अपने ब्राउजिंग करते हुए एलईडी पर कैसे देख सकते हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप कैसे करेंगे ये सब आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो शुरू से लेकर आज तक जो देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, कैसे आप अपने एलईडी स्मार्ट टीवी पर इंटरनेट ब्राउजिंग करते समय कैसे आप अपने टीवी चैनल को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो आपको नीचे रिलेटिव हो, चाहे मूवी हो, इंटरटेनमेंट से रिलेटिव हो, स्पोर्ट हो, या कुछ भी हो, जो भी आपके चैनल हैं टीवी चैनल, उसको कैसे आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते समय एलईडी टीवी पर देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि आप अपने ब्राउजर पर चले जाइए एलईडी टीवी पर। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आपको ब्राउजर पर कैसे जाना है, तो आपको अपनी टीवी के ब्राउजर पर जाने के लिए होम बटन दबाना है अपने रिमोट का। तो आपको होम बटन दबा देना है, उसके बाद आपके जो ऐप लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। चाहे जो भी एलईडी टीवी हो, आपको सिर्फ होम बटन दबाना है, वहाँ पर आपको डिस्प्ले पर आपकी एप्लीकेशन दिख जाएंगी। तो आपको वहाँ ब्राउजिंग का भी ऑप्शन दिख जाएगा, तो थोड़ा नहीं दिख रहा है तो आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा साइड में, और उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर वेब ब्राउजर करके एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आप एंड्रॉयड टीवी यूज करते हैं तो आपको वहाँ एप्लीकेशन के नाम से, चाहे मोजिला हो, क्रोम हो, या जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं ब्राउजिंग के लिए, वो मिल सकती है। तो आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ वेब ब्राउजर ओपन करके, आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो उसके लिए आपको होम पेज कैसे दिखेगा, तो जैसे कि न्यू टैब पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो होम पेज कुछ इस तरह से आपका खुलेगा ब्राउजर का। और उसके बाद आप जैसे कुछ ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर गूगल पे ब्राउजिंग करता हूँ, तो आपको यहाँ पर मैं ब्राउजिंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे यहाँ पर सही है। तो जैसे कि मैं यहाँ गूगल में ब्राउजिंग की है, तो यहाँ पर हम कुछ सर्च कर लेते हैं, तो सर्च करते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी आपको सर्च कर लेना है, जैसे कि आपको सॉन्ग करने हैं या मूवी करने हैं, जो भी चाहे आप इंटरटेन से लीजिए, ये बात सर्च कर लीजिए। तो सर्च कर लेते हैं हम। अब जैसे कि आपने यहाँ पर सर्च कर लिया है, तो इस तरह से आपको जो डाटा है वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसके बाद आप अपनी जो टीवी है वो जो चल रही है, तो आप उसको कैसे यहाँ पर साथ साथ अपने ब्राउजिंग के साथ साथ कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे यहाँ पर डिस्प्ले पर जो दिख रहा है टीवी पर, आपको यहाँ पर ऊपर साइड में मेनू काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो आपके लिए उससे पहले आपका जो टीवी कनेक्शन है वो ऑन होना चाहिए, तभी यहाँ पर कनेक्ट होगा, चाहे आपने केबल कनेक्शन ले रखा हो, चाहे आपने सेटअप बॉक्स लगा रखा हो, जो भी है, तो आपको ऑन होना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, आपके होम स्क्रीन पर जाना है, जैसे कि यहाँ पर हमें ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो इस समय इसी पर रहेंगे। आपको अपने ब्राउजिंग करते समय ये इसे कर सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आपने जैसे ब्राउजिंग की है, तो यहाँ पर मैं कोई एक फाइल भी यहाँ पर साइट ओपन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो इसके लिए यहाँ पर हमने कोई एक साइट ओपन कर दी है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इस साइट को ओपन कर दिया, और इसके साथ आप कैसे इसे प्ले करेंगे, तो यहाँ पर आप जो ब्राउजिंग कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है, तो उसके साथ आपको यहाँ पर कुछ मेनू आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि ये मेनू आया है, तो ये टीवी कनेक्शन के लिए है, मतलब मिनी टीवी ऑन या ऑफ, तो आपको ऑन करना है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, और जो आपको मिनी टीवी है वो आपको सामने डिस्प्ले पर दिख जाएगी, तो आपका जो भी चैनल चल रहा होगा वो यहाँ पर आपको प्ले होते दिख जाएगा। तो आपको इस चैनल पर क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपका जो कनेक्शन मैंने बताया ऑन होना चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पर रिसेंट में आपको और कुछ ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको टीवी का कनेक्शन ऐड होना चाहिए। तो टीवी का कनेक्शन आपको जैसे सेट करते हैं हमने टीवी में, तो यहाँ पर टीवी के कनेक्शन को ऑन कर लेना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर बाई चांस नहीं आता है तो आपको सेट भी करना आना चाहिए। तो इस तरह से आप सेट कर लेंगे, और आप डायरेक्टली होम बटन में जाएंगे, और यहाँ पर आपको रिसेंट में ब्राउजिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर टीवी कनेक्शन है वो आपको दिख जाएगा। आप इसको मूव भी कर सकते हैं जहाँ चाहें, तो इसको मैं वॉल्यूम में आपको बंद कर देता हूँ, और इस तरह से आपको साफ सुनाई देगा। और इसके लिए आप कोई भी अपना जहाँ भी टीवी मूव करना चाहे, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगता है, सेट कर सकते हैं,
और आप साथ साथ देख सकते हैं। आपको लगता है कि यही चलेगा, सिर्फ मैं एक ही चला के दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर कोई भी चैनल को चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ चेंज किए, तो इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर सॉन्ग वगैरह है, मूवी है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, तो आपको जैसे दिख रहा है। जैसे न्यूज़ वगैरह है, वो भी आप कोई भी चैनल चलाना चाहे वो आप चला सकते हैं नॉर्मली। तो इस तरह से तो आप कोई भी यहाँ पर चैनल अपना चला पाएंगे, और उसके लिए आपको ब्राउजिंग चाहे किसी में करें, कोई भी साइट पे करें, आप डायरेक्टली इसे चला सकते हैं अगर एलईडी टीवी पे चला जाते हैं। तो ये नॉर्मली जो टीवी मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्मार्ट एलईडी टीवी है, इसी तरह से नॉर्मल टीवी पर भी वर्क करता है। मतलब आपके जो टीवी है उस पर फंक्शन पर डिपेंड करता है, तो आपको नॉर्मली कनेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।